गाना बजाओ। सो गाइस अभी आपने जो प्रीव्यू स्टेटस देखा, आई होप कि आप लोगों की यह प्रीव्यू स्टेटस पसंद आया होगा। सो गाइस ये सॉन्ग अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जो कि नीलकमल सिंह का न्यू सॉन्ग आया हुआ है। सो गाइस अगर आप अपने फोटोज को लगाकर कुछ इसी टाइप का वीडियो एडिटिंग बनाना चाहते हैं, सो गाइस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को फुल वॉच करना है, जो कि काफ़ी न्यूनिक इफेक्ट के साथ क्रिएट किया गया है। सो गाइस अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको स्टेटस क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो सके, इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सो गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट की लिंक दी गई है, उस वेबसाइट से आपको सॉन्ग बिटमर्क और सेक इफेक्ट को अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास एलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप जाके जल्दी से इंस्टॉल कर लो, और जितने फोटोज वगैरह हैं मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। सो गाइस हमारे जो एलाइट मोशन को हम लोग चलिए ओपन करते हैं। सो गाइस हमारा एलाइट मोशन कुछ इस टाइप से ओपन होगा, जिन हमारा प्रोजेक्ट जो सॉन्ग बिटमर्क प्रोजेक्ट है और एक सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट है, मैं दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। सो गाइस यहाँ से अपना सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा इस टाइप से आपको दो लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस लेयर पे फोटो को ऐड करने के लिए फोटो का साइज तो 9x60 रेशियो में क्रॉप करना है। मैंने पिछले बहुत सारी वीडियोस में क्रॉप करने का मतलब बताया हुआ कि कैसे क्रॉप करते हैं लाइट मोशन से, आप चाहे तो अदर एप्लीकेशन से कर सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना, 9x60 के रेशियो पे क्लिक करना, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे मीडिया में जाकर अपने मतलब कोई भी फाइल में से फोटो को लेना, और सिंपली फोटो को लेने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसे फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे कर देना, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पे इसे फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे कर देता हूँ इसे। देन आपको क्या करना है कि इसे क्लिक करना है यहाँ से, और करंट फ्रेम स्पिन ये पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, और आपको ये पिन मतलब 9x60 रेशियो में क्रॉप हो जाएगा। तो गाइस इसी तरह से आपको कुछ फोटोज़ को क्रॉप कर लेना है, ठीक है। सो गाइस चलिए हम लोग 9x60 रेशियो में कुछ फोटोज़ को क्रॉप करते हैं, और वीडियो करते हैं थोड़ा सा स्किप। सो गाइस फोटोज़ को क्रॉप करने के बाद फिर से अपने सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो लेयर्स देखने को इस तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। आपको सिंपली दोनों लेयर पे इस तरह से क्लिक करना है, और यहाँ से कॉपी टू लेयर्स कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली, और यहाँ पे कॉपी टू लेयर्स कर लेंगे। सो गाइस कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारा जहाँ लेयर खत्म हो रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे पेस्ट टू लेयर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो लेयर पेस्ट हो गया, देन आपको फिर से आना है नेक्स्ट बिट पे, फिर से आपको दो लेयर्स को पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए गाइस आपका लेयर से अगर आगे चला जाता है ये फोटो, तो सिंपली इस पर क्लिक करके स्पीड वाला ऑप्शन पर जाके इसे आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस तरह से अभी तो मेरा एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है, अभी टाइमिंग को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। सो गाइस इसी तरह से आपको पेस्ट करते जाना है, ठीक है। तो आप चलिए हम लोग इस तरह से मतलब पेस्ट कर देते हैं, आपको इसे तब तक पेस्ट करना है जब तक आपको नेक्स्ट वाला स्टेप से, मैंने यहाँ पे डबल बिटमार्क नहीं दे दिया है, मतलब ठीक है डबल बिटमार्क आपको जहाँ पे दिया गया है इससे पहले तक आपको इसे पेस्ट करते जाना है, ठीक है। तो गाइस चलिए हम लोग 1x1 करके पेस्ट करते जाते हैं, और वीडियो करते हैं स्किप। सो गाइस लास्ट में हम इसे पेस्ट करेंगे तो हमारा एक यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो इसको सिंपली आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक आपको करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली नीचे वाले लेयर पे आ जाना है, और यहाँ पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल ऑप्शन में जाना है, स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और हमने अभी जो फोटोज़ को क्रॉप किया 9x60 रेशियो में, सिंपली उस पर आ जाना है, और यहाँ पे 1x1 फोटोज़ को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो गाइस देख सकते हैं हमारे जो फोटो है यहाँ पे इतने अच्छे से ऐड हो गया। सो गाइस 1x1 चलिए हम लोग फोटोज़ को ऐड करते हैं, और वीडियो करते हैं स्किप। सो गाइस जब सारे लेयर्स पे आप 1x1 करके फोटोज़ को ऐड कर दोगे, ठीक है, डबल बिट मार्क तक हमारा जो था यहाँ तक आप जब फोटोज़ को ऐड कर दोगे, तो आपको क्या करना है कि इसके बाद हमारा जो फोटो ऐड करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे फोटो ऐड करने के लिए सिंपली आपको हो जाना है पहले यहाँ से बैक, और हमारा जो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना है। यानी यहाँ पे आपको एक ग्रुप वन करके एक ग्रुप देखने को मिल जाता है, सिंपली इस ग्रुप को टैप करना है, यहाँ से आपको इसे कॉपी लेयर कर लेना है, ठीक है। सो भाई कॉपी लेयर करने के बाद फिर से अपने सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है। देन हमारा जो ग्रुप था आपको यहाँ पे ग्रुप को पेस्ट कर देना है, ठीक है, डबल बिट मार्क पे आ जाना है। देन हमें अपना ग्रुप को यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो और पेस्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट बिट तक होगा इससे यहाँ पे क्लिक करना है, ग्रुप पे स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसे कम कर देना है, कंप्रेस कर देना है, ठीक है। देन फिर से हम यहाँ पे ग्रुप पेस्ट कर देते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम यहाँ से कम कर देते हैं। तो वही जिस तरह से आपको यहाँ पे पेस्ट कर करके इसे कंप्रेस कर देना है, तो वही मैं बता देता हूँ इसको भी कहाँ तक करना है। तो वही यहाँ पे आप तकरीबन
यहाँ पे चार बार ग्रुप्स को ऐड करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज मैंने चार बार ग्रुप्स को ऐड किया तो ग्रुप का हमारे यहाँ पे काम कंप्लीट होता है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेयर इस टाइप से कुछ देखने को मिल गया होगा। सो गाइज ग्रुप पे फोटो को ऐड करने के लिए सिंपली आपको ग्रुप पे टैप करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे में एक इमेज करके पर्पल कलर का एक लेयर होगा, आपको सिंपली इस पर टैप करना है, कलर एंड फिल ऑप्शन में जाना है, स्टार और ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल में आपने 960 रेशियो का फोटो क्रॉप किया होगा। तो गाइज मैं यहाँ से सिंपली एक फोटो को ऐड कर देता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारा जो ग्रुप पे फोटो है देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो गाइज इसी तरह से वन बाई वन करके आपको यहाँ तक ऐड करना है ग्रुप पे, और यहाँ पे एक लेयर है तो लेयर पे भी सिंपली आपको फोटो को ऐड कर देना। तो चलिए गाइज इसको भी ऐड करते हैं और वीडियो करते हैं थोड़ा सा स्किप। तो गाइज यहाँ तक मतलब आपको फोटोज़ को ऐड करने के बाद सिंपली आ जाना है बीट मतलब 14.05 सेकंड पे हमारा जो बीट है मीडिया में चले जाएगा, उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जिस फाइल में आपका फोटो हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको फोटो पे टैप करना है, राइट साइड में जो थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस पर क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया पर सेट करना है, ठीक है। देन गाइज नेक्स्ट बीट पर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कट कर देना है। तो गाइज इसी तरह से आपको लास्ट तक फोटो को ऐड करते जाना है। चलिए गाइज हम लोग फोटोज़ को ऐड करते हैं और वीडियो करते हैं थोड़ा सा स्किप। तो गाइस लास्ट वाले सारे मतलब बीट तक फोटो को ऐड करने के बाद सिंपली आपको हो जाना है यहाँ से बैक, देन आपको सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है, जो हमारा ग्रुप था इसका तो हमने काम कंप्लीट कर लिया। देन हमारा जो इफेक्ट है फर्स्ट वाला इसको सिंपली आपको टैप करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस कॉपी इफेक्ट करने के बाद फिर उससे अपने सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। तो गाइस स्टार्टिंग में तो हमने ग्रुप्स और लेयर्स में फोटो को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो गाइस उसके बाद हमारा जो ये वाला ग्रुप था तो गाइज आपको आ जाना है 14.05 सेकंड पे, ठीक है। तो जहाँ से हमने फोटो को ऐड करना स्टार्ट किया था सिंपली इस फोटो पे आपको इफेक्ट में जाके सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है जो इफेक्ट हमने फर्स्ट वाला मतलब दिया था। तो गाइज यहाँ से सिंपली आपको इफेक्ट में जाके इसे पेस्ट कर देना है। सो गाइज इसे मैं बता देता हूँ कहाँ तक पेस्ट करना है आपको। गाइज सिंपली वन बाई वन करके फोटोज़ को आप पेस्ट करते आओगे तो यहाँ पे आपको एक डबल बीट मार्क देखने को मिल जाता है 20.05 सेकंड तक, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको इससे पहले यहाँ पे जितने भी फोटोज थे उस पर आपको फर्स्ट वाले इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो चलिए गाइज इसको ऐड करते हैं और वीडियो करते हैं थोड़ा सा स्किप। सो गाइज डबल बीट मार्क से पहले वाले फोटोज़ों को इसे देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया। दिन आपको फिर से बैक हो जाना है और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में आना है। दिन हमारा जो लास्ट वाला इफेक्ट है आपको सिंपली इस इफेक्ट को यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो गाइज कॉपी इफेक्ट करने के बाद फिर से अपने सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है, ठीक है। फिर हमने जो डबल बीट मार्क से पहले वाले फोटो तक इफेक्ट ऐड किया था वहाँ पे हमें आ जाना है, ठीक है। जो हमारा 20.05 सेकंड पे स्टार्ट था डबल बीट मार्क। सो गाइज यहाँ से लेके आपको लास्ट वाले फोटो तक आपको लास्ट वाले इफेक्ट को ऐड कर देना है, ठीक है। तो गाइज जब सारे फोटोज पे आप इफेक्ट्स को अप्लाई कर दोगे तो आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। आपको सिंपली तीर वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।